जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट सिथी पर। कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, हमने 12th क्लास के लिए NCERT की फिजिक्स का सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जिसमें हम पहले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। हमने इसमें पहला चैप्टर लिया है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इसके हम न्यूमेरिकल्स को कर रहे हैं। इसमें ने एक्सरसाइज 1.1, 1.2, एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 को सॉल्व कर लिया है। मेरे प्यारे साथियों, आज हम एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्या है 1.5। मेरे प्यारे बच्चों, 1.5 में कह रहा है, ये कह रहा है व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ चार्ज अपियर ऑन बोथ ए सिमिलर फिनोमिना इज ऑब्जर्व विद मैनी अदर पेयर्स ऑफ द बॉडीज एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी ये कहना चाह रहा है मेरे बच्चों, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रब करते हैं तो दोनों पर आवेश दिखाई देता है। इसी तरह की घटना कुछ अन्य निकायों के साथ भी देखी जाती है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण किस प्रकार के संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका कहने का आशय ये है कि हमारे पास एक ग्लास रॉड है और एक क्लॉथ है। क्या है? एक ग्लास रॉड है और सिल्क क्लॉथ है। ग्लास रॉड को और सिल्क क्लॉथ को आपस में क्या कर रहे हैं? रब करें, ठीक है, रगड़ें। तो रब करने पर दोनों पर क्या आता है? चार्ज आता है। यानी दोनों पर चार्ज आता है। इसी तरह से और भी कुछ फिनोमेना हैं जिनमें भी चार्ज आता है। तो ये कहना चाह रहा है ये किस संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है मेरे प्यारे साथियों। यानी हमारे पास क्या है? एक ग्लास रॉड है। इस ग्लास रॉड को, ठीक है, सिल्क क्लॉथ से क्या करना है? रब करना है। तो रब करेंगे तो इस पर क्या आएगा? ठीक, चलिए आइए देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा एक आइए मेरे बच्चों देखते हैं। ये एक ग्लास रॉड है और ये सिल्क क्लॉथ है। इस ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से क्या करना है? रब करना है। रब करने का मतलब रगड़ना है। तो रब करने पर दोनों के बीच क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? दोनों के बीच हीट रिज्यूम होगी, यानी दोनों के बीच हीट उत्पन्न होगी।
तो हीट उत्पन्न होने के कारण मेरे बच्चों होगा क्या, जैसे ही दोनों को रगड़ेंगे तो रगड़ने पर हीट होगी, तो हीट रिड्यूस होने के बाद जो हमारा एक रॉड है, दूसरा क्लॉथ है, इन दोनों के क्या होंगे, वर्क फंक्शन होंगे, कार्यफलन होंगे। तो जो वर्क फंक्शन है, जो लो वर्क फंक्शन वाली ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स हायर वर्क फंक्शन वाली ऑब्जेक्ट की ओर ट्रांसफर होंगे, यानी लोअर वर्क फंक्शन वाले ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन हायर वर्क फंक्शन वाले, ठीक है, ऑब्जेक्ट की ओर ट्रांसफर होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो ग्लास है और एक क्लॉथ है, इसमें ग्लास का जो वर्क फंक्शन होता है वो लो होता है, जबकि क्लॉथ का जो वर्क फंक्शन है वो हाई होता है। तो वर्क फंक्शन जो है, यानी जो W है वर्क फंक्शन, ये लो से वर्क फंक्शन हाई की ओर एनर्जी यानी हीट का क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे लोअर वर्क फंक्शन वाले ऑब्जेक्ट से हायर वर्क फंक्शन वाले ऑब्जेक्ट की ओर। इस रॉड का वर्क फंक्शन लो होता है, जबकि क्लॉथ का हाई होता है, जिससे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो रॉड से क्लॉथ की ओर ट्रांसफर होंगे। जब इलेक्ट्रॉन रॉड से क्लॉथ पर ट्रांसफर होंगे मेरे बच्चों, तो रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी रॉड चार्ज विद पॉजिटिवली चार्ज, एंड जो क्लॉथ है इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन पर यानी जो क्लॉथ है ये चार्ज होगा विद नेगेटिवली चार्ज, यानी ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी और ये इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करेगी। जो रॉड है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, लॉस्ट करेगी, यानी इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, जबकि जो क्लॉथ है इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, यानी ये इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगी। जिससे ये रॉड है इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी रॉड पॉजिटिवली चार्ज से चार्ज हो जाएगी, जबकि जो क्लॉथ है वो नेगेटिवली चार्ज से क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। इस प्रोसेस में ना तो कहीं चार्ज क्रिएट हुआ है और ना ही चार्ज कहीं डिस्ट्रॉयड हुआ है, यानी ना तो चार्ज उत्पन्न हुआ और ना ही चार्ज नष्ट हुआ है, केवल इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, यानी ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन क्लॉथ की ओर क्या हुए हैं, ट्रांसफर हुए हैं। इस पूरी फिनोमिना में, पूरी घटना में ना तो इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज क्रिएट हुआ है और ना ही चार्ज डिस्ट्रॉयड हुआ है, ये केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, यानी एक ने इलेक्ट्रॉनों को लॉस्ट किया है जबकि दूसरे ने इलेक्ट्रॉनों को गेन किया है। तो जिसने लॉस्ट किया उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जिसने गेन किया उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इस पूरी घटना में ना तो, ठीक है, चार्ज यानी उत्पन्न हुआ है और ना ही नष्ट हुआ है। इस तरह से हम कह सकते हैं इस पूरी घटना में जो चार्ज है वो क्या रहा है, कंजर्वेट रहा है, यानी चार्ज का क्या रहा है, कंजर्वेशन रहा है। तो यही कहना चाह रहा था मेरे बच्चों ये सवाल में, अभी देख देते हैं। ठीक है, व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, ग्लास अपीयर ऑन बोथ, ए सिमिलर फिनोमिना इज ऑब्जर्व विद मैनी अदर पेयर्स, द बॉडी एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्ट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी इस तरह से इसमें क्या रहता है, चार्ज का क्या रहता है, कंजर्वेशन रहता है। आइए इसे किस तरह से लिखेंगे वो देख लेते हैं। लिखना कैसे है, ये कुछ लिखेंगे इस तरह से मेरे बच्चों, इन इन द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन हमने चार्ज की विधियाँ सीखी हैं, तीन तरह से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, बाय फ्रैक्शन, बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन। तो जो फ्रैक्शन मेथड है इसमें क्या किया जाता है, दो बॉडी को रब किया जाता है। तो ये कहना चाह रहा है, इन द मेथड ऑफ चार्जिंग फ्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू वन बॉडी ऑफ लोअर वर्क फंक्शन, ग्लास, ग्लास का वर्क फंक्शन क्या है, लो है, टू दन एनोदर बॉडी ऑफ हायर वर्क फंक्शन लाइक एज ए सिल्क क्लॉथ, यानी जो ग्लास है इसका वर्क फंक्शन क्या है, लो है, और सिल्क क्लॉथ का क्या है, हाई है, एंड नाइदर चार्ज क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी चार्ज ना तो उत्पन्न हुआ है और ना ही नष्ट हुआ है। इन दिस वे सो वी कैन से दैट द एबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट इन दिस मेथड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एप्लीकेबल, यानी घर्षण द्वारा चार्ज करने की जो विधि है इसमें इलेक्ट्रॉन निम्न कार्यफलन
कि एक वस्तु से उच्च कार्यफलन की दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं और इस तरह से ना तो आवेश उत्पन्न होता है और ना ही आवेश नष्ट होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उपरोक्त चर्चा में यानी उपरोक्त जो चर्चा की है इसमें आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है, यानी आवेश का क्या रहता है, संरक्षण रहता है, यानी आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यानी इस पूरे मेथड में ना तो चार्ज क्रिएट हुआ ना ही चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ, केवल इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, यानी लोअर वर्क फंक्शन वाली बॉडी से चार्ज हाइयर वर्क फंक्शन वाली बॉडी को ट्रांसफर हुआ है, ना चार्ज क्रिएट हुआ है और ना ही चार्ज डिस्ट्रॉयड हुआ है, इसमें केवल और केवल चार्ज कंजर्व्ड रहता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस बेल आइकन प्रेस करें जिससे अगले क्वेश्चन के लिए नोटिफिकेशन आपके साथ आ सके, यानी अगली वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।